राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार करना है हमको। पहला ऑप्शन है तीन वित्तीय समितियां हैं। अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि वित्तीय समितियां कितनी हैं, चार वित्तीय समितियों के अतिरिक्त। जैसे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना हमने, चार वित्तीय समितियों के अतिरिक्त, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही बात है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, ये भी सही बात है। तो बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे यहां पर, सही हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि चार वित्तीय समितियां हैं, ठीक है। तो हमारे बी सी डी सही हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है। ये जेईएन एग्जाम 2022 में पूछा है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, अभी इससे पहले मैंने पूछ लिया था ये क्वेश्चन। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, उषा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उषा मीणा जी। हमसे अनुसूचित जनजाति की पूछी है, वह कहां से जीती थी, ये सवाई माधोपुर से जीती थी। कब जीती थी, 1996 में जीती थी। और दूसरी कौन थी, सुशीला बंगारू, ये जीती थी एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी की अनुसूचित जाति की है ये, और ये 2004 में जालौर से जीती थी, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। वसुंधरा राजे 12वीं विधानसभा में जीती थी, इससे पहले ये लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। पढ़े अगले क्वेश्चन पर। बताइए राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन है, जल्दी से बता दीजिए 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन है, क्या होगा आंसर। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 13वीं विधानसभा। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। आप बता रहे हो फर्स्ट ऑप्शन, दीपेंद्र सिंह शेखावत, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है, 13वीं विधानसभा के, ये आपको याद रख के चलना है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी जी हैं, वर्तमान में सीपी जोशी जी हैं, 2019 से लगातार, ठीक है। और सीपी जोशी से पहले पूछे तो कैलाश चंद मेघवाल थे, कैलाश चंद मेघवाल थे, ठीक है। और जब 13वीं विधानसभा की बात चल रही है तो दीपेंद्र सिंह शेखावत जो हैं इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो थे राम नरेन मीणा, नरेन मीणा। और नेता प्रतिपक्ष की अगर आपसे पूछ ले तो गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे थी इस टाइम, गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे, ठीक है। अगर वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष पूछ ले तो आपको पता ही होगा पहले गुलाब चंद कटारिया जी थे ही, लेकिन इनको असम का राज्यपाल बना दिया, असम के राज्यपाल ये बन गए तो खाली था पद। वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष बना दिए कौन, जोशी साहब बना दिए, ठीक है। और भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष जो चुने गए हैं विधानसभा के वो कौन चुने गए, राजेंद्र राठौड़ जी जो कि भाजपा के नेता हैं, ठीक है, वो चुने गए हैं। तो ये आपको याद रख के चलना है, कैलाश चंद मेघवाल उस टाइम पर थे। अगर दोनों की यदि हम बात करें, 13वीं विधानसभा की बात करें, तो इस टाइम पर भी अशोक गहलोत थे और सीट थी कांग्रेस की 102, बाकी की 98 सीट, ठीक है, ये आपको याद रख के चलनी है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, वनरक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया है।
प्रथम विपक्ष के नेता इनमें से कौन थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन।